सामने आलिशान सी बिल्डिंग देख रही है, ये है रणदीप हुड्डा सर का बिल्डिंग। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग रणदीप हुड्डा को जानते ही होंगे, पूरा वीडियो देखिए आप सभी लोग जरूर जान जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोग को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं विवेक ज्ञान व्लॉग, दोस्तों आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में ना हम ऐसे अभिनेता का घर दिखाने वाले हैं जिससे आप लोग रू रू वाकिफ है। जी हाँ गैस, हम दिखाने वाले हैं रणदीप हुड्डा का घर। जी हाँ गैस, आप लोग रणदीप हुड्डा को तो जान ही गए होंगे, सुल्तान सर के साथ काफी सारे मूवी वो कर चुके हैं और भी सारे हीरो लोगों के साथ वो मूवी कर चुके हैं। जी हाँ गैस, सुल्तान मूवी, तरह तरह के मूवी है जिसके अंदर वो नजर आ चुके हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वो ना काफी अच्छा विलन का रोल भी करते हैं। गाइस आप सभी लोगों को बता देना, एक एक्टर होते हैं जो परफेक्ट माने जाते हैं, तो जिसका एक कॉमेडी में होता है, विलन में होता है, हीरो का होता है, तो वैसे ये परफेक्ट माने जाते हैं विलन के रोल में। तो गाइस आइए उन्हीं का आज घर दिखाएंगे, उनके बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, उनके नेटवर्क, उनके कार कलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो को लेकर रणदीप हुड्डा सर के घर पे, और अभी हैं अपने रूम पे और डायरेक्टली हम उनके घर पे चलेंगे। लोकेशन वगैरह सारा फुल एड्रेस बताएंगे, आप सभी लोग बहुत आसान से वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे काफी सारे भाई लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनको सही लोकेशन और सही एड्रेस चाहिए होता है, तो चलिए लेके चलते हैं, आप सभी लोगों को दिखाते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं रणदीप हुड्डा सर के घर के पास। ये देखिए काफी आलिशान साहब को फ्लैट दिख रही है ना बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जी हाँ गाइस, देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे नारियल वगैरह का पेड़ वगैरह लगाया गया हुआ है और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। जी हाँ गाइस, और ये ना एक बॉस इलाकों में इनका ये बिल्डिंग है। गाइस आप सभी लोगों को बता दे, बॉस इलाका कौन से जगह को मुंबई में अक्सर बोला जाता है। जी हाँ गाइस, जैसे कि महालक्ष्मी हो गया, बांद्रा हो गया, जुहू हो गया, लोखंडवाला हो गया, अंधेरी वेस्ट हो गया और वर्सोवा हो गया। तो जी हाँ गाइस, और इसी सारे नामों में से एक जगह पे ये स्थित है। अभी आप सभी लोगों को पूरा लोकेशन के साथ, पूरा फुल एड्रेस के साथ हम बताने वाले हैं। तो गाइस पहले आप घर देख लीजिए, क्या खूबसूरत क्या ये बिल्डिंग है। और यहीं पे ना रणदीप हुड्डा सर हमेशा बाहर निकला करते हैं टहलने के लिए। देखिए यहाँ पे ना हमेशा वक्त करते हुए नज़र आते हैं सुबह और शाम के टाइम हमेशा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मैंने पता किया, मुझे भी पता नहीं था ये सारी चीज़ें, बातें जो मैं बातें आपके से शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पता किया गार्ड लोगों से और पब्लिक लोग जो हैं यहाँ के लोकल के लोग, उन लोगों से मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर पूछा और आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये मुंबई का वर्सोवा है। जी हाँ गाइस, ये वर्सोवा बीच है जहाँ पर इनका ये फ्लैट है। ये मुंबई का बॉस इलाका माना जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मूवी वगैरह सारा कुछ शूटिंग होता है और ये देख पा रहे हैं यहीं पे रणदीप हुड्डा सर भी रहते हैं और भी यहाँ पे तरह तरह के सेलिब्रिटी लोग रहते हैं। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को आगे वीडियो हम बताएंगे। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, और ये वाइट और ब्लू में पेंट किया गया हुआ, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये सी फेसिंग बिल्डिंग है। जी हाँ गाइस, इसको सी फेसिंग बिल्डिंग बोलते हैं, जो बॉस इलाकों में और काफ़ी आलिशान और महंगा बिल्डिंग होता है ना, उसको सी फेसिंग बिल्डिंग बोलते हैं। तो इसी बॉस इलाकों में ये रहते हैं, सी फेसिंग बिल्डिंग में रहते हैं, जिसकी बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में है। जी हाँ गाइस, करोड़ों में है। जैसे आप सभी लोगों को बता दें, इसमें ना आपको रणदीप हुड्डा सर के लिए काफ़ी स्पेशल स्पेशल चीज़ें इसमें रखा गया है। जैसे इनके लिए पर्सनल एक जिम रखा गया है, इसमें डाइनिंग एरिया है और काफ़ी सारे तरह तरह की चीज़ें हैं। और ये हमेशा बाहर वर्क करते हुए आते हैं और हमेशा साइकिल वगैरह चलाते हैं। यहीं पे ग्राउंड है, पीछे ग्राउंड है काफ़ी। और मैं बता दूँ ना, ये पहले डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, इनके पापा डॉक्टर हैं। जैसे कि इनको ना पहले इनके डैडी जो हैं इनको डॉक्टरी का पढ़ाई करवाते थे ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी लोगों को बता दें कि वो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और ये पढ़ाई में, ये जो आप सामने वाला घर देख रहे हैं ना, महिमा चौधरी मैम का है। देखिए गाइस, ये वाला चौथा फ्लोर ये जो आप देख रहे हैं, ये महिमा चौधरी मैम का है। तो ये पढ़ाई करके वहाँ से पूरा करके आ गए 2000 में, तो ये फिर इनका मन थोड़ा एक्टिंग में गया और ये एक्टिंग के लिए शुरुआतिंग कर दिए। तो वहाँ पे 2001 से इन्होंने शुरुआतिंग कर दी अपने, और ये काफ़ी ज़्यादा आज तक मूवी कर चुके हैं, जैसे सुल्तान और तरह तरह मूवियों ये कर चुके हैं। और एक मूवी का चार्ज ये
5 से 7 करोड़ रुपए करते हैं। अगर इनकी अर्निंग की बात करें मंथली की, तो 50 से 70 लाख रुपए पर मंथ है इनका अर्निंग है। इनके पास ना काफ़ी अच्छी अच्छी कार कलेक्शन भी है, और इनके भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके डैडी डॉक्टर हैं, और ये एक्टर हैं। जी हाँ गाइस, इनका घर ना क्या बोलते हैं हरियाणा में भी, रोहतक में भी है, जो 3 BHK का फ्लैट है वहाँ पे, काफ़ी आलीशान और काफ़ी खूबसूरत वहाँ पे भी है। और आप सभी लोगों को बता दें कि ये घोड़े पे सवारी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनके पास घोड़ा और कार भी है। जी हाँ गाइस, इनके पास काफ़ी लग्जरियस कार है, मर्सिडीज़, BMW, ऐसी कई सारी लग्जरियस कार हैं, और इन सब कार में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद ये घोड़े का सवारी करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, इसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अपने रणवीर हुड्डा सर इसी में रहते हैं। अभी आगे आप लोगों को भी लेके चलूँगा, आगे के साइड में वीडियो में दिखाऊँगा घर कैसा है, और ये आप लोगों को लोकेशन मैंने बताया ही, जैसे कि ये मुंबई के वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में है। जी हाँ गाइस, मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में, यानी बॉस इलाका इसको बोला जाता है, वहीं पे इनका स्थित है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं, और ये काफ़ी आलीशान और काफ़ी प्यारा फ्लैट है, और सी फेसिंग बिल्डिंग है जिसकी कीमत करोड़ों में है। और ये काफ़ी अच्छा अर्निंग वगैरह भी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 50 से 70 लाख रुपए पर मंथ इनका अर्निंग हो जाता है। अगर सालाना की यहीं पे बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सामने वर्सोवा बीच है, जो काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पे शाम का टाइम है, व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ भी है। अभी धीरे धीरे पब्लिक आ रहे हैं, देखिए मतलब क्राउड हो रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को बता दें, यहाँ पे मूवी वगैरह शूटिंग सब कुछ होता है, बहुत सारी मूवी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी हैं, और ये उसी बॉस इलाकों में रहते हैं। और चलिए गाइस, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, इनके गेट के तरफ, वहाँ पे अब दिखाते हैं किस तरीके से इनका गेट है। तो फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं इनके गेट के तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक दुकान भी, और मेन गेट सामने ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, यही है, देखिए गाइस ये। तो आइए, ये देख पा रहे हैं ये पूरा अच्छे तरीके से ये बिल्डिंग है। ये पीछे के टाइप से कुछ काफ़ी खूबसूरत लगता है, थोड़ा आगे से उतना लुकिंग नहीं लगती है बिल्डिंग की, लेकिन पीछे के साइड इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाया कि आप सभी लोगों को दिख जाए। तो गाइस, यही रहा इनका बिल्डिंग, और इनके घर के सामने काफ़ी हरियाली वगैरह भी लगाया गया। गाइस, आप सभी लोगों को बता देना, इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हरियाली ग्रीनरी यूज किया गया, वो जैसे पीछे गार्डन भी है, और वहाँ पर वर्क करते हुए सुबह और शाम को नज़र आते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 पेड़े भी हैं बड़े बड़े, आप देख पा रहे हैं जहाँ पे कार खड़ी है पूरा, आप देखिए यहाँ पे बिल्डिंग में। और यहाँ पे बालकनी वगैरह में ना अभी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया हुआ है। गाइस, इनके अर्निंग के बारे में बताएं, सालाना की बार सालाना अर्निंग के बारे में भी बताएं, और यहीं पे हम बता दें आप सभी लोगों से कि ये इनका टोटल नेटवर्किंग कितना है। तो गाइस, इनका टोटल नेटवर्किंग पूरे पैसे का बताएं तो 80 करोड़ रुपये हैं। जी हाँ गाइस, इसमें से काफ़ी महंगे घरों में रहते हैं, और इनके पास लग्जरियस कार भी हैं करोड़ में। और यह सारी वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, इनके बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजाना ऐसे नए नए वीडियो आता रहता है।